मेरे मित्र श्री विजय शुक्ला जी की पत्नी दुर्भाग्य से बहुत जल्दी उनका निधन हो गया, और उनका निधन होने के बाद विजय जी के मन में जो अलग अलग भाव आए, कल्पना आई, उस पर उन्होंने लिखा है। और हिंदी पर एक दृष्टि से उनका उनकी मातृभाषा ही है, तो जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया है, धारावाहिक पढ़ने में आसान, इस प्रकार का किताब उन्होंने बनाया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा किताब समाज में जाना चाहिए, पति हो पत्नी हो सब ने पढ़ना चाहिए। और ऐसा पुस्तक लिखने के लिए अब यहाँ पर पुस्तक प्रकाशन का कार्यक्रम हो गया। ये जो किताब है बिल्कुल खोलने के बाद बीज उनके पत्नी का छाया चित्र है, और इसलिए यह जो एक किताब की रचना में सुझाव होते हैं, ऐसे सुझाव भी मैंने दिए। अब इसमें देखिए श्रावण मास को लेकर कई प्रकार के विचार हैं, तो उसमें मैंने कहा भाई क्रमांक दे दो, 1, 2, 3, 4, क्योंकि संदर्भ जब देते हैं किसी को तो तुरंत एक पेज क्रमांक और ऐसा शीर्षक जो होगा उसको बताना लाभदायक होता है। इसके लिए जिसका प्रेजेंटेशन हम कहते हैं, वो तो प्रेजेंटेशन इस किताब का अच्छा है। लिखा हुआ बात जो है वो तो अच्छा है आई ही, लेकिन प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, और इसलिए ये किताब आम आदमी ने पढ़ना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। क्या कुछ क्या कहना चाहेंगे ये विचार पुष्पांजलि, किस प्रकार का बुक है अगर आपने पढ़ा होगा, और कुछ शेयर करना चाहेंगे बुक के बारे में, किताब के बारे में? पूरी किताब तो पढ़ने का अभी तक मौका नहीं मिला, लेकिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा और हमारे अतिथियों के मुँह से जो सुना, उससे बड़ा अच्छा लगा। मेरा अपना ये मानना है कि ये किताब जो है समाज को एक नई दिशा देगा, पति पत्नी के बीच के रिश्तों को किस ढंग से जीना, रिश्तों को किस ढंग से सुदृढ़ बनाना, सम्मान करना, किस ढंग से पारिवारिक सुख बनाए रखना, बढ़ाना, ये बड़ा ज्ञान देगा, एक पथ प्रदर्शक बन के आएगा। पति और पत्नी का परिवार में, एक दूसरे के लिए, बच्चों के बीच में क्या महत्व होता है, एक पत्नी उसका कितना अहम रोल होता है पति के जीवन में, एज अ मदर, एक सास के रूप में, उन सब चीज़ों के बारे में यह पुस्तक लोगों को एक राह दिखाएगा। आदरणीय विजय शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक पुष्पांजलि के विषय में दो शब्द यही कहना चाहता हूँ कि नारी और पति, पति और पत्नी के बीच जो रिश्ते होते हैं कैसे होते हैं, कितने नाजुक होते हैं, किस तरह से उन्हें संभाला जाता है, किस तरह से उनको लेकर हम चलते हैं, आज की पीढ़ी को यह पुस्तक पढ़कर प्रेरणा लेना चाहिए और अपने परिवार, अपने पत्नी के साथ इसी तरह रहने की कोशिश करनी चाहिए। यही कहकर मैं श्रद्धांजलि देते हुए हाथ जोड़ता हूँ। राम भैया, आप क्या कहना चाहेंगे, आपने बुक पढ़ा और क्या कुछ कहेंगे इस बुक को लेकर, और ख़ास करके विचार पुष्पांजलि उनकी पत्नी को लेकर जो उन्होंने अपने पत्नी को डेलीगेट किया है ये किताब? पहले तो भाभी माँ को ओम शांति, और ये विचार पुष्प एक आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक दिशा है, एक आदर्श है। आज हमारे बड़े भाई विजय शुक्ला जी ने विचार पुष्पांजलि जो लोकार्पण किया है, ये उन्होंने अपने पूरे जीवन की गाथा और व्यथा और सुख दुख सब उसमें वर्णन किया है, और आज ये एक मिसाल है, एक हमारे समाज में कम से कम ऐसा एक पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैं इस यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए, लेकिन मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा होता और हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों को
ये आदर्श मिलता, ये सुनते तो बहुत अच्छा होता, ये मैं सीखा आज। मैं राजकुमार यादव थाने महानगर पालिका में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। आज के कार्यक्रम में पुष्पांजलि विजय शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक सचमुच समाज के लिए एक अलग स्थान रखती है। जब पति और पत्नी रथ के दो पहियों के समान होते हैं, यदि एक पहिया उसमें से बिछुड़ता है तो थोड़ी सी तकलीफ केवल मैं यहाँ पे विजय जी को ही नहीं कहूँगा, पूरे समाज को होती है। लेकिन उन्होंने उस भावनाओं को पुस्तक के माध्यम से जो रखा है वह समाज के लिए एक अग्रणीय चीज़ है। विजय जी मिश्र शुक्ल जी का जो ये विचार पर निकाला गया पुष्पांजलि, उसमें उन्होंने एक नारी के प्रति आदर्श लिखा, उम्रयादित आदर्श, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति नारी ही एक ऐसी धुरी है जो नर को गलत रास्ते से बचा सके, पतना तायते सह पत्नी, जो पतन से बचा ले, गिरने से बचा ले, वही नारी। और ऐसी ही नारी श्यामला जी थी जो विजय श्याम को सुपथ पे ले आई और इतने बढ़िया मार्ग बनाए कि आज विजय श्याम हो गए। इसलिए मैं चाहूँगा कि सब नारियाँ श्यामला देवी का नकल करें, तभी हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी।